हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूबी। आज मैं आप सबके साथ आलू बोंडा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे आलू बड़ा भी कह सकती हैं। कभी भी आपको कभी चटपटा खाने का मन करे, आप इसे इजीली घर में बनाकर खा सकती हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। अब हम गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 2 टेबल स्पून हमने उसमें ऑयल डाल दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, हम इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, यानी मस्टर्ड सीड। जैसे ही राई चटकने लगे, हम इसमें 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक को 1-2 मिनट तक हम सॉटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे। करी लीव्स हमने 10 से 12 यहाँ लिए हैं। साथ ही हम 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला और नमक। इन सब मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से भुनेंगे। 2-3 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें उबले हुए आलू को ऐड कर देंगे। हमने आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया है, थोड़ा टुकड़ों में ही हमने इसे रखा है। आप देख सकते हैं हमने आलू को ज़्यादा मैश नहीं किया है। आप भी इसी तरह से आलू मैश कीजिए। अब हम आलूओं को सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को अच्छे से मसालों के साथ कोट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ हरे धनिए की पत्ती ऐड करेंगे। और इसको भी आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हमारा आलू का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है, हम इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। हम सारे बॉल्स को इक्वल साइज में ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। एक बॉल में हमने 2 कप बेसन लिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हमने इसमें 1 पिंच खाने वाला सोडा डाला है। इन सारी चीज़ों को बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। हमें इसका एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करना है। हम इसका बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर तैयार नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। हमारा बैटर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये बैटर चम्मच में अच्छे से कोट हो चुका है। बस इसी तरह का बैटर तैयार करना है। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब हम एक बॉल को अच्छे से बेसन में कोट करेंगे और उसे गरम तेल में डालते जाएंगे। बस इसी तरह से हमें एक एक बॉल को बेसन में कोट करके तेल में डालते जाना है।
हमें इसे बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है, हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। एक साइड से हमारा वड़ा बन चुका है, अब हम इसे पलट कर दूसरे तरफ से भी फ्राई करेंगे। आपको जब भी कुछ चटपटा खाने का मन करे आप फटाफट इसे बनाकर खा सकती हैं। देखिए अब ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो चुका है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं। हमने सारे वड़े को निकाल लिया है, अब हम अपना दूसरा बैच इसमें डालते हैं। इसे भी हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करेंगे। अब हमने सारे वड़ों को प्लेट में निकाल लिया है। देखिए ये कितना टेस्टी और कितना क्रिस्पी लग रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।